राजधानी जयपुर के विप्र फाउंडेशन ने रामनवमी से हनुमान जयंती तक देश भर में 7 लाख मास्क वितरण अभियान शुरू किया है। 7 दिन में इस अभियान की चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सराहना की है। मंत्री ने कहा कि विप्र फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने लॉकडाउन से उत्पन्न संकट से उभरने में सरकार को काफी मदद मिली है। डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को 11,000 मास्क भेंट करने आए विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से ये मास्क चिकित्सा मंत्री को कोरोना रोकथाम में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के उपयोग के लिए भेंट किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री को मास्क भेंट करने पहुंचे पदाधिकारियों में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री पवन पारेख, राष्ट्रीय प्रवक्ता विमलेश शर्मा, राजस्थान जोन 1 के महामंत्री सतीश शर्मा और संगठन महामंत्री राजेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र हर्ष और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इस बीच विप्र फाउंडेशन के सुनील तिवारी, विनय जोशी, सुनील शर्मा, अजय पारेख, तरुण भारती, सुभाष पंडित, कपिल पचौरी, बसंत ओझा, नरेंद्र ओझा आदि भी पिछले 3 दिनों से विभिन्न स्थानों पर मास्क का वितरण कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जयपुर में 50,000 मास्क वितरण के लक्ष्य में अब तक 30,000 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। इनमें पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस थाना, मीडिया हाउस, आमजन और VCCI की ओर से जयपुर शहर में वितरित किए गए मास्क शामिल हैं।